वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज वीडियो बताने जा रहा हूं जो कि आपको क्लास 12 की वीडियो से आपको कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और कई सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सॉल्यूशन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसका टॉपिक क्या है, यहां पे ट्रांसपोज करने वाले। ठीक है, ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ यहां पे मैट्रिक्स, मतलब यहां पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हम लोग ए आई जे के फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, ए आई जे बोलते हैं, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो इसको हम एक्सचेंज करते हैं रो और कॉलम के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए ए को ट्रांसपोज, तो यहाँ पे ए जे आई बन जाएगा, इस विच इज क्या हो जाएगा, विच हैव, यहाँ पे ट्रांसपोज का मतलब यही हो गया कि विच हैव एक्सचेंज रो और कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम का एक्सचेंज जो होगा वही क्या होगा, तो वही क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो एक्सचेंज मतलब एक बार करना है, यानी कि मतलब यहाँ पे रो का ट्रांसपोज कर, मतलब रो को कॉलम में कर दिया, कॉलम को फिर रो में कर दिया, फिर वही आ गया। तो इस प्रकार से ऐसे होता है प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो एग्जाम्पल में इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अगर ये मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो इस तरीके से 1 2 3 2 1 2 5 इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो ऑर्डर है 2×3 ऑर्डर का है। ठीक है, 2×3 ऑर्डर का है, मतलब यहाँ पे 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो है इसको ट्रांसपोज किया जाए तो हम यहाँ पे बोल पाएंगे क्या, यहाँ पे बोले हैं कंसेप्ट क्या है इसका कि एक्सचेंज ऑफ रो, तो यहाँ पे रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा ट्रांसपोज के बाद। तो यहाँ पे जो होगा ट्रांसपोज करेंगे तो ये नीचे की ओर लिखाएगा। ठीक है, मतलब ये रो में है तो ये हम कॉलम में लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा तो 1 2 5 बन जाएगा। ठीक है, और ये जो हो गया, अब देखिए इसमें 3 ठो रो हो गया। ठीक है, 3 ठो रो और 2 ठो कॉलम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कितना भी ऑर्डर का होगा तो उसका हम यहाँ पे रो और कॉलम को एक्सचेंज कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखिए प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पे उसका जो कोई खास खास बातें जो है वो हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का ट्रांसपोज जो है वो ट्रांसपोज करता है, मतलब यहाँ पे इसको हम लोग एक और जान लीजिए कि इसका सिंबल आपको टी से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कैपिटल टी से भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी देखिए कि अगर यहाँ पे ट्रांसपोज है और ट्रांसपोज मैट्रिक्स पहले से है और एक बार हम इसको फिर से ट्रांसपोज कर लेते हैं तो वो जो होगा वो फिर से यहाँ पे रिपीट कर जाएगा और वो मैट्रिक्स ए बन जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर सेकेंड टाइम ट्रांसपोज कर दिया जाता है तो वो मैट्रिक्स ए बन जाता है। बिकॉज यहाँ पे हम देख ले फिर से एग्जाम्पल से, तो यहाँ पे देखिए इसको दोबारा हम ट्रांसपोज कर दें। ठीक है, फिर से अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉलम जो है ये रो बन जाएगा 1 2 3 और ये कॉलम जो है ये रो बन जाएगा। ठीक है, मतलब सेकेंड रो बन गया। तो ये जो हो गया ये क्या हो गया, ये 2×3, ये पहले जैसा ही है कि नहीं, मतलब ये पहले जैसा ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी मैट्रिक्स ए। ठीक है, मतलब यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, क्लियर है, बाय प्रॉपर्टीज बाय एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, तो थर्ड प्रॉपर्टीज यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज, ठीक है, मतलब थर्ड टाइम कर देते हैं तो ये भी आ जाएगा कितना, ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, मतलब इससे ये सीखने को मिलता है कि हम यहाँ पे अगर ओ टाइम मतलब यहाँ पे विषम बार करते हैं तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसका ट्रांसपोज के साइन होता है। ठीक है, अगर हम इसको विषम मतलब यहाँ पे सम बार करेंगे, मतलब यहाँ पे इवन टाइम करेंगे, तो यहाँ पे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, मतलब यहाँ पे इवन टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, मतलब इवन टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स, तो इवन टाइम्स के जगह पे हम क्या करते हैं इसका मतलब
जनरली जो होगा वो मैट्रिक्स हम लिखते हैं, ठीक है, वो वापस से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट यानी कि टाइप ऑफ यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पे के इंटू ए है, इसका अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो यहाँ पे कोई के कोई यानी कि फर्क नहीं पड़ेगा इसको के साथ, ठीक है, के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के जैसे का तैसे रहेगा, कोई कॉन्स्टेंट नंबर है के, इसलिए यहाँ पे के का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैट्रिक्स में ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे होता है। फिर यहाँ पे देखिए सिक्स ट्रांसपोज यानी कि प्रॉपर्टी क्या है, तो हम यहाँ पे ए प्लस में मान लीजिए बी है और इसका ट्रांसपोज कर ले हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज, ये दोनों का ट्रांसपोज का सम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसका हम सिक्स के बाद सेवन नंबर देख सकते हैं, अगर यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, आप लोग मुझे इसका कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोक करके कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थोड़ा देर के लिए आप क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ऐसे कहेंगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, इसका ये मेन प्रॉपर्टीज है और इसको याद रखिए, ख्याल रखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और हम देते हैं, जो यहाँ मान लीजिए के है और यहाँ पे ए प्लस में बी का ट्रांसपोज है, मतलब यहाँ पे पूरे का ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे अगर रहेगा और इसका ट्रांसपोज करेगा करने के लिए, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि k इंटू ए ट्रांसपोज और प्लस में k इंटू बी ट्रांसपोज बोलेंगे, ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का कई बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी आपको पूछा जा सकता है, मतलब यहाँ पे इस टाइप का रहता है, ये भी ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो इस तरीके से ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो क्योंकि इस पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक सवाल दे देगा कि बोलेगा कि ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक क्या होता है अभी हम बता देते हैं, ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मतलब यहाँ पे सिमेट्रिक के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक सिमेट्रिक क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं, सिमेट्रिक इसके बाद एग्जांपल करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स है और उसको हम अगर ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज करते हैं और वो खुद मैट्रिक्स बन जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, मतलब ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैट्रिक्स को, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम यहाँ पे पाला बोलते हैं। और यहाँ पे दूसरा चीज देखिए, इसका दूसरा मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद एसक्यू सिमेट्रिक होता है, एसक्यू सिमेट्रिक ये ट्रांसपोज टाइप ऑफ ट्रांसपोज में आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहाँ पे सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक जो होगा वो ट्रांसपोज करने से माइनस में ए के बराबर होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसक्यू सिमेट्रिक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो अब यहाँ पे हमको एक एग्जांपल लेना है, और एग्जांपल वो क्या है, हम इसको मिटा देते हैं और इधर कर रहे हैं, एग्जांपल ये क्या है, ए है और यहाँ पे बी है, पहले यहाँ पे देखिए ए ट्रांसपोज करने पर ए आता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ए बोला है सिमेट्रिक है, एंड यहाँ पे बी भी जो बोला है वो भी सिमेट्रिक है, ठीक है, ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए एंड बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, तो आपसे पूछा है कि यहाँ पे ए बी और माइनस बी ए ये जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक आएगा कि एसक्यू सिमेट्रिक आएगा, ठीक है, तो इसके बारे में पूछा है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक है, तो ट्रांसपोज करके ही पता चलेगा, ठीक है, हम सिमेट्रिक्स को ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कि अगर प्लस में या माइनस में, देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, माइनस भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस और माइनस के लिए इसका प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए बी जो है इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, बी ए का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, और जब ट्रांसपोज करेंगे
तो यहाँ से ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, क्लियर। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ए ट्रांसपोज और ये बी ट्रांसपोज, ठीक, जस्ट इसका उल्टा होके ट्रांसपोज में लिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ठीक है, बी के बराबर होता है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर होता है, तो ए बराबर। फिर इसके बाद देखिए ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, ए लिख दीजिए, बी तो अब यहाँ पे देखिए ए बी क्या है, बी ए माइनस में ए भी है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस कॉमन ले लेंगे। क्यों हम माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, तो ये चीज हम बनाएंगे पहले, ए बी माइनस में क्या हो गया, बी ए हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे इसको ट्रांसपोज किए हैं तो यहाँ पे माइनस आके सेम सी आ गया है, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि मतलब बी का ट्रांसपोज करने पर पी आ गया, तो हम माइनस में पी आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सक्यूज मैट्रिक्स यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस यहाँ पे ए बी माइनस में बी ए जो है ए क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज सिमेट्रिक, ठीक है, एक्सक्यूज सिमेट्रिक एक्सप्रेस करने के लिए बोलेगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ हम मैट्रिक्स भी लगाते हैं, आप इस तरीके से जो करेंगे कि ए बराबर में हम लोग कुछ दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, ठीक है, तो ए तो हमको दिया रहेगा, ठीक है, ए ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो ए बराबर में क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बराबर ए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे कि पी बराबर आप लोग मान लेंगे, ठीक है, और सिमेट्रिक के लिए हमें सिमेट्रिक दिखाना है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, और सिमेट्रिक के लिए P इक्वल टू वन बाई टू और यहाँ पे A प्लस में A ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है, और इसको सॉल्व करने पर मतलब यहाँ पे A मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है, उसका ट्रांसपोज कर लेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे, फिर जोड़ करके हाफ कर देंगे, उस P के बराबर हो जाएगा, और फिर P को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे P के बराबर आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, पी इज एसक्यू मतलब यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। अब यहाँ पे एस क्यू के लिए क्या हो जाएगा, फोर एस क्यू सिमेट्रिक, फोर एस क्यू सिमेट्रिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन बाय टू, और यहाँ पे ए माइनस में ए ट्रांसपोज और ये इतना बराबर क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे वन बाय टू, यानी कि इसको ट्रांसपोज करेंगे फिर से, इसको क्यू मानेंगे, ठीक है, सॉरी इसको क्यू मानेंगे, और यहाँ पे क्यू ट्रांसपोज करने पर माइनस में क्यू आ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या चीज, क्यू इज क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक, ठीक है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए बोलेगा तो हम एक्सप्रेस में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि मान लीजिए कि ए मान लीजिए कोई दिया हुआ है, ठीक है, थ्री टू फाइव, वन टू थ्री, इस तरीके से कोई मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे थ्री ए का ट्रांसपोज बताए, ठीक है, थ्री ए का ट्रांसपोज बताए, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और ए ट्रांसपोज पहले लिखेंगे, तो थ्री टू फाइव, वन टू थ्री, और यहाँ पे क्या है, वन टू जीरो, तो इस तरीके से लिखेंगे, फिर इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो थ्री से मल्टीप्लाई करने से नाइन, यहाँ पे कितना आएगा, थ्री आएगा, और यहाँ पे थ्री आ गया, यहाँ पे सिक्स सिक्स सिक्स, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव थ्री या फिफ्टीन, फिर नाइन, और यहाँ पे जीरो, इतना आ जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे कहीं एग्जाम्पल में कोई ऐसा कोई चलेगा तो कर सकते हैं। और यहाँ पे बाय द वे आपको ए माइनस मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको कहेगा सिमेट्रिक सम और स्क्वायर सिमेट्रिक, मतलब यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए, तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो इस पे भी एक वो एग्जांपल कर लेते हैं, मान लीजिए कि ये एग्जांपल में कि ए बराबर दिया है वन टू और यहाँ पे थ्री फोर, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, हम ले लेते हैं इस नंबर को। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ए ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर हो जाएगा, इतना आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पी बराबर वन बाई टू और ए प्लस में ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे, तो देखिए एक और एक दो हो जाएगा और एक बटा दो पहले से,
और दो और तीन को जोड़ेंगे तो पांच हो जाएगा, तीन और दो को जोड़ेंगे तो पांच, चार और चार को जोड़ेंगे तो आठ, ठीक है। तो इतना आ गया, इसको अब हाफ करेंगे, हाफ करेंगे तो यहाँ एक पांच बट्टा दो हो जाएगा, यहाँ भी पांच बट्टा दो हो गया और यहाँ पे चार हो गया। अब इसका हम ट्रांसपोज अगर कर लें, मतलब यहाँ पे पी ट्रांसपोज कर लें, तो देखिए इसका ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, ये एलिमेंट यहाँ पे आएगा, मतलब ये ऐसे बन जाएगा और ये जो है ऐसे बन जाएगा, तो ये यहाँ पे चला जाता है, ये यहाँ पे आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पी ट्रांसपोज वाला पी आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक बोल देंगे, ठीक है, सिमेट्रिक। अब यहाँ पे देखिए इसमें स्क्यू सिमेट्रिक देखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्यू बराबर एक मैट्रिक्स लेंगे, क्यू बराबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वन बाय टू और ए माइनस में ए ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। जब इसको घटाएंगे तो वन वन कट जाएगा, मतलब बचेगा कितना, जीरो, और यहाँ पे टू में से थ्री गया तो माइनस में वन, वन बाय टू पीछे, फिर यहाँ पे थ्री में से टू गया तो वन, और फिर यहाँ पे फोर में से फोर गया तो जीरो, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये दो से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो माइनस वन बाई टू प्लस में वन बाई टू जीरो, अब इतना आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसको क्यू बराबर बोलेंगे, तो क्यू ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ देखिए माइनस में हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बचेगा, ठीक है, ये चीज यहाँ पे आएगा, ये चीज यहाँ पे आएगा ट्रांसपोज करने पर, लेकिन यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे इस तरह से जीरो वन बाई टू और यहाँ पे जीरो और यहाँ पे माइनस में वन बाई टू हो जाएगा, मतलब ये माइनस में यहीं पर रहेगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस में क्यू के बराबर, इसीलिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। सो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, इस तरह से कोई सवाल को आप कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना रहेगा, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप यानी कि एक कोई मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स के अंदर आप क्या करेंगे, कैसे ऑपरेशन करेंगे कि ताकि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है ना, वो हमें ये अभी फिलहाल ए मैट्रिक्स है, वो ए इनवर्स बना दे, ठीक है, इसको ऑपरेशन करके ए इनवर्स हमें बनाना होता है। तो यही हम एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं ना, तो एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं तो देखिए इस तरीका से आप पहले कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आर वन है, तो आर वन में आप के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आर वन को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे R2 में आप चाहे तो R2 tending to क्या हो जाएगा, K into में R1 कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। किसी भी रो में आप यहाँ पे किसी दूसरे रो से K को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं R1 tending to R1 plus R2 plus R3 plus R3, मतलब यहाँ पे किसी एक रो में सारे रो को जोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे किसी एक रो में आप चाहे तो किसी एक रो किसी एक अनदर रो को मल्टीप्लाई करके किसी मल्टीप्लाई स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके वो क्या करेंगे, घटा भी सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आप चाहे तो रो को इंटरचेंज भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा है ऑपरेशन में, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप और मान लीजिए कि आर वन है, तो आप यहाँ पे चाहे तो किसी आर वन को मतलब माइनस नेगेटिव नंबर से आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे। सो इस तरीका से सिमिलरली हम यहाँ पे किस में कर सकते हैं, कॉलम में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी एक मेथड से करेंगे, जब यहाँ पे जब तक यहाँ पे ऑपरेशन रो में कर रहे हैं तो हमें रो में ही करना पड़ेगा। सो इसी तरीका से मान लीजिए सी वन के सी टू हो जाएगा, सी के जब सी वन सी टू हो जाएगा, इस तरीका से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कॉलम हो जाएगा, मतलब रो में करें तो रो में ही होगा, अगर कॉलम में करेंगे तो कॉलम में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब रो में करने लगे तो कॉलम में नहीं जाना है, ठीक है, यही फ्रॉम समझ आती है कॉन्सेप्ट है कि रो में करें तो रो में ही करेंगे। और यहाँ पे हमें करना क्या रहता है कि मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको आप क्या बोलते हैं, आई बनेगा, ठीक है। आप इसको कभी भी कोई मैट्रिक्स ले लीजिए ए और ए इनवर्स, इसको गुना कीजिए, मल्टीप्लिकेशन तो आता है मैट्रिक्स का, दोनों को गुना कीजिएगा तो देखिएगा कि आई बनेगा, आई मतलब आइडेंटिटी या यूनिट बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से हटा के हम इस ए इनवर्स को हटा के दोनों साइड, मतलब यहाँ पे चाहे तो इसको उस साइड कर लेते हैं या तो इसी को ले जाइए, हाँ इसको ले जाइए,
ए है इनवर्स को हम चाहे तो ए लिख सकते हैं और यहाँ पे आई लिखिए। जब नीचे वाला चीज इस तरह जाएगा तो ए बराबर क्या बन जाएगा, ए आई बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसमें हमें यहाँ मैट्रिक्स को पुट करना पड़ता है। इसमें देखिए ये तो कॉन्सेप्ट है, आपको ये लिखना पड़ेगा। जब आपको कहेगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें, तो आप क्या करेंगे कि ए बराबर में ए आई लिखेंगे, ठीक है, ए बराबर में ए आई लिखेंगे। और जब ए बराबर ए आई लिख दिए तो इसमें हम पुट करेंगे ये चीज, ठीक है, और इसको नहीं पुट करेंगे, आप इसमें आई को पुट करेंगे, ठीक है। इसमें किसको पुट करना था, ए को, इसमें आई को पुट करेंगे। तो इस तरीका से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेकर हम आपको समझाते हैं और एक क्वेश्चन है एग्जांपल का, एक क्वेश्चन इसको मान लें, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे इस तरीका से लिखना होगा कि वी राइट अस, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए आई, मतलब कोई भी मैट्रिक्स रहेगा तो हम इस तरीका से लिखेंगे, कोई हर्ज नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ए बराबर में ए आई होता है, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ए को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, और यहाँ आई को पुट करेंगे। तो ए को पुट करेंगे तो ये कितना ऑर्डर का है, टू ऑर्डर का है, तो यहाँ पे 1 2 3 7 तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए का, ऐसा ही छोड़ देंगे। और इसमें आई की जगह पे पुट करना है, तो आई जो है जगह जगह चेंज होता है, ठीक है। आई यहाँ पे अगर मैट्रिक्स दो ऑर्डर का है तो आई हम यहाँ पे दो ऑर्डर में ही लिख लेंगे, अगर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का होगा तो हम 3 ऑर्डर में लिख लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया इसके बराबर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसे हमें क्या बनाना है, ए बनाना है इनवर्स, ठीक है, मतलब इसको हमें आई बनाना पड़ता है, रिड्यूस करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिड्यूस टू क्या हो जाएगा, आई, और इसको हम रिड्यूस टू क्या बन जाएगा, देन यहाँ पे इसको कर सकते हैं वी गेट आई जो होगा, आई के जगह पर क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाए, ठीक है। जब इसको हम आई बनाएंगे तो ये इनवर्स बनेगा, वी गेट लिखे मतलब हमें ये प्राप्त होगा, ठीक है। जब इसको रिड्यूस करेंगे आई बनाएंगे तो हमें ये इनवर्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे आई जब बन जाएगा तो इस साइड ए और ए इनवर्स ही ना बनेगा, ठीक है। तो ऐसा ही हम यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको पहले हम यहाँ पे एक चीज और जानिए, इस सवाल को करेंगे तो इससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि दो ऑर्डर क्या है। तो दो ऑर्डर में पहले कॉन्सेप्ट देखिए, पहले यहाँ 1 बना लीजिएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे तक बता दिया। अब इसका मेन ट्रिक जो है इसका यही है, ठीक है, मेन जो ट्रिक है वो आप इस तरीका से बना सकते हैं, हॉट ट्रिक बनाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब कोई मैट्रिक्स रहेगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर यहाँ का काम करेंगे कि यहाँ पे 1 बन जाए, ठीक है, पहला काम मेरा हो गया, ठीक, यहाँ पे पहला काम 1 हो गया, तो यहाँ पे 0 बना लीजिए, ठीक है। हमें इसको रिड्यूस करके क्या बनाना है, आई बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। अब दूसरा काम हो गया ये मेरा दूसरा काम हो गया, ठीक है। और जब यहाँ पे 1 0 हो गया, तब यहाँ पे हमें क्या बनाना होगा, आई 1 बनाना होगा, ठीक है, 1 बनाना होगा। तो यहाँ पे हो गया क्या चीज, सॉरी 1 हो गया, तो ये हो गया तीसरा काम मेरा, ठीक है, और यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो गया मेरा चौथा काम, ठीक है। तो इस तरीका से हम यहाँ पे देखे क्या चीज, हमें 2 ऑर्डर करेगा तो ऐसे करना पड़ेगा। और वही अगर ट्रिक ये फर्स्ट हो गया, ट्रिक सेकंड देखिए, जब यहाँ पे 3 ऑर्डर के लिए होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो 1 फर्स्ट काम करना है मेरा, ये 1 होना चाहिए, ठीक है, फिर 0 हो जाए दूसरा काम, तीसरा काम यहाँ पे 0, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 चौथा काम होना चाहिए, यहाँ पे 0 यहाँ पांचवा काम होना चाहिए, फिर यहाँ पे 1 छठा काम होना चाहिए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 करिए 7वां काम, यहाँ पे 0 8वां काम, यहाँ पे 0 9वां काम, ठीक है। तो इस तरीका से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये हमारा हॉट ट्रिक हो गया। आप इस तरीका से आप देख सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे इस ट्रिक को अपनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ब बना चुके, मेरा पहला काम हो चुका है, क्वेश्चन ही कर दिया, ठीक है, मेरा पहला काम क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। हम दूसरा काम करेंगे, तो दूसरा काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर टू में जाना पड़ेगा, और आर टू को क्या करना होगा कि इसकी सहायता से हमें जीरो बनाना होगा, ठीक है, ऊपर वाले की सहायता से, वन की सहायता से नीचे जीरो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर टू टेन इंटू आर टू माइनस में, इसको हम आगे नहीं देखेंगे, सिर्फ यहाँ पे नीचे देखेंगे, ठीक है, यहाँ वन हो गया तो इसके नीचे देखेंगे, तो जीरो बनाएंगे, मतलब यहाँ पे इसका तिगुना करके घटा देंगे, तो माइनस में थ्री टाइम्स ऑफ आर वन हो जाएगा, देन वी गेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन टू और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और इसको टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स हो जाएगा, सेवन में से सिक्स गया तो वन हो जाएगा, वन आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो गया ए इंटू यहाँ पे क्या बन जाएगा वन, इसका तिगुना करेंगे, जो साइड हम लेफ्ट साइड में ऑपरेशन करेंगे वो राइट साइड में भी ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में किया वो राइट साइड में भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वन जीरो, और यहाँ पे इसका थ्री टाइम्स करेंगे, जीरो में जगह तो माइनस में थ्री, और यहाँ पे वन, ठीक है, लेफ्ट साइड किया राइट साइड किया। अब हमें यहाँ पे देखिए मेरा तीसरा काम भी हो गया, दूसरा के साथ साथ तीसरा काम भी हो गया मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ अगर हो रहा है, मेरा दूसरा काम करना था तीसरा काम भी हो गया, और अच्छी बात है, ठीक है, एक साथ दो दो काम जो हो गया और अच्छी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जीरो बनाना है, तो यहाँ पे देखिए चौथा काम मेरा है ये, अभी चौथा काम करने जा रहा है कि इसका जीरो बनाना है, तो हम यहाँ पे आर वन में जाएंगे, ये आर वन में है ना, हम आपको बोले हैं कि आर वन में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आर वन में ही करते रहेंगे, ठीक है, जब तक ए इनवर्स मतलब ये जो है आई न बने, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आर वन टेन इंटू आर वन माइनस में क्या हो जाएगा, इसका दोगुना कर घटा देंगे तो दोगुना ऑफ क्या हो जाएगा आर टू, ठीक है, तो ये ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ वन यहाँ जीरो और यहाँ पे वन जीरो, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इंटू इसका तिगुना करके मतलब दोगुना करके घटाएंगे तो ये क्या देखिए तिगुना का दो से गुना करेंगे तो छह हो जाएगा, माइनस में छह घटाएंगे एक में से तो सात बन जाएगा, अच्छा इसका दोगुना करके घटाएंगे तो माइनस में दो हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में तीन और यहाँ पे एक हो जाएगा, ठीक है, तो इतना हो गया, तो यहाँ इतना बराबर में ए इंटू इतना हो गया, ठीक है। तो अब जो मेरा आ गया ये क्या दिख रहा है आपको, आई दिख रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे ए हो गया, और इसके बगल में जो हो गया यानी कि ए के बगल में वो हो जाएगा क्या चीज, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ए बराबर में आई होता है, यहाँ पे देखते हैं, तो इस प्रकार से हमारा ए इनवर्स जो है वो फाइंड हो जाता है, वो इसीलिए हम यहाँ पे लगा देंगे क्या चीज, ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे सेवन माइनस में टू माइनस में थ्री और वन, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। सो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरीके से है, ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं कि ए बराबर आपको इतना दिया हुआ है, थ्री ऑर्डर में लेते हैं, ए इतना दिया हुआ है तो अब हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बोले क्या चाहिए, पहले यहाँ पे तीन ऑर्डर में वन होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे वन होने के लिए आप क्या पहले करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे कि ए बराबर में होता है ए आई, ठीक है, तो यहाँ पे ए के जगह पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो वन टू, फिर यहाँ वन टू थ्री, फिर यहाँ पे थ्री वन वन हो जाएगा, ठीक है, और ए रहेगा ही, और आई के जगह पे वन जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो वन जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो वन। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इसको हम हटा के मतलब यहाँ पे सेकेंड रो जो है वो सेकेंड रो को फर्स्ट रो में बदल देते हैं, तो आर वन टेन इंटू क्या हो जाएगा, आर वन टेन इंटू आर वन इंटरचेंज करेंगे आर टू के साथ, ठीक है, आर वन इंटरचेंज कर दिए आर टू के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा कितना, ये हो जाएगा जीरो नहीं वन हो जाएगा, और यहाँ पे टू और यहाँ पे थ्री हो जाएगा, ठीक है, जीरो वन मतलब यहाँ वन और टू थ्री, इस तरह से हो गया, सेकेंड रो में जीरो वन टू बन जाएगा, और यहाँ पे थ्री वन वन हो गया, और यहाँ पे देखिए ये ए जो मैट्रिक्स हो गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो जीरो वन जीरो और वन जीरो जीरो, और यहाँ पे कितना आएगा जीरो जीरो वन, क्लियर, तो ये ए का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे आर थ्री टेनिंग टू क्या करेंगे, आर थ्री माइनस में आर थ्री माइनस में इसका तिगुना करके घटाएंगे तो तीन गुने आर वन हो जाएगा, ठीक है,
ये चीज आप सोच करेंगे। अब यहाँ पे मेरा काम है, ये देखिए जीरो हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन बनाना, वन को थ्री को जीरो बनाना है, तो ये चीज हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ये हो जाएगा वन टू थ्री, ये 12 रो में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी दूसरा रो में भी कोई चेंज नहीं होगा, तीसरा रो में जीरो हो जाएगा, इसका तिगुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो माइनस में 5 बचेगा, इसका तिगुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, तो माइनस में 8 बचेगा, और यहाँ पे ए इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 1010, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 100, इसका तिगुना करके घटाएंगे तो यहाँ पे 0, इसका तिगुना करके घटाएंगे तो माइनस में 3, इसका तिगुना करके घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये ए इंटू में इतना आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे ये दोनों 0 हो गया, तो अब यहाँ पे भी 1 हो चुका है, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे 0 बनाना है, तो इसका पचगुना करके जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे R3 टेन इंटू फिर से ऑपरेशन करेंगे R3 में, तो R3 प्लस में 5 टाइम्स ऑफ R2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका 5 गुना जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमको, ये आ जाएगा 1 2 3, और यहाँ पे 0 1 2, और यहाँ पे 0 माइनस में 5 का 0, इसका 5 10, तो यहाँ पे प्लस में 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो ए इंटू, अब यहाँ पे इसका 5 गुना करके इसमें जोड़ेंगे, तो यहाँ पहला रो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर यहाँ पे 1 0 0 हो जाएगा, इसका 5 गुना इसमें जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा सिर्फ, माइनस में 3 और 1। ठीक है, इतना आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ 0 हो गया तो यहाँ पे 1 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ 1 बनाएंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे लीजिए तो यहाँ पे R3 जो है उसने हमें 1/2 से ऑपरेशन करके मतलब आधा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे R3। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे 0 1, और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये 1 हो गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए इंटू, इसे ट्रिक पे चलते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 0, और फिर यहाँ पे 1 0 0, और यहाँ पे लास्ट में 5/3 हो जाएगा, मतलब 2 माइनस में 3/2 और 1/2, इतना आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो इतना हो चुका है, तो अब यहाँ पे देखिए ये तीनों डायगोनल में नीचे हो गया 1, इसके बाद हम ये दोनों को एक साथ 0 बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे 7 और 8 वाला काम जो है वो पहले 0 बना सकते हैं। ठीक है, एक साथ कर सकते हैं, तो यहाँ पे R2 में क्या करेंगे, R2 tan into R2 माइनस में इसका दुगुना कर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो दुगुना ऑफ R3। ठीक है, एंड R1 tan into R1 माइनस में तिगुना ऑफ क्या हो जाएगा R3, इतना करेंगे तो यहाँ पे हो जाए कितना 1 2, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 1 0 0 0 1, इतना आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A into यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0, सॉरी इसका तिगुना दोगुना करके घटाएंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा इसमें से घटाएंगे तो R2 में घटाएंगे दोगुना करके तो माइनस में कितना आएगा 4, इसका दोगुना करके घटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3, इसका दोगुना करके घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1, और इसका यानी कि R1 में भी ऑपरेशन किए हैं तो R1 में भी ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5/2 तो रहेगा ही, माइनस में 3/2 और 1/2, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, अब इसको हम दो गुना मतलब यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे तो 15/2 हो जाएगा, 15/2 0 में से घटाएंगे तो माइनस में दिखाएगा सिर्फ 15/2। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको 3 से गुना करें तो 3 3 9, 1 में से घटाएंगे तो 1 प्लस हो जाएगा 9/2, तो मतलब 9 2 11 11 बटा कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 11/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 इसका दुगुना मतलब तिगुना करेंगे तो यहाँ माइनस में 3/2 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो इस तरीका से आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो ये इतना इक्वल टू ए इंटू में इतना आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको 1 2 जो है इसको 0 बनाएंगे, तो यहाँ पे R1 tan into R1 माइनस में इसका दुगुना करके घटा देंगे दुगुना ऑफ R2। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा कितना, ये आ गया, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ जो 1/2 से कहीं पे डिवाइड किए हैं, कहीं पे डिवाइड किए, यहाँ पे डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे आ गए। ठीक है, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको जो घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1, तो ये इतना आ गया, और ये a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
इसका 2 से गुना करके घटाएंगे, 2 से गुना करके घटाएंगे, 1 सेकेंड, इसमें जब 2 से गुना करेंगे और इसका 2 से गुना करेंगे, इसमें जो रहे हैं घटाए हैं, ठीक है चार, इसका 2 से गुना करके जब घटाएंगे तो माइनस में 15 बटा कितना है 2 है, और फिर यहाँ पे कितना है 4 गुना 8 हो जाएगा, प्लस में 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस में 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक सेकेंड 4 गुना 8 प्लस में 8 और ये प्लस 8 गुना 16 में से गया तो माइनस, लेकिन इसको सॉल्व करते 1 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये प्लस में 1 बटा 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 8 गुना 16 और माइनस में 15, तो ये क्या बचेगा 1 बटा 2 बचेगा, फिर यहाँ पे इसका 2 से गुना करें तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 घटाना है ना, यहाँ पे 11 बटा कितना है 2 है माइनस में 6, तो 6 गुना 12, 12 में से 11 गया तो माइनस में 1 बटा 2 बचेगा, फिर यहाँ पे ये माइनस में 3 बटे 2 है और इसका 2 से गुना करेंगे तो यहाँ फिर घटाएंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, दो 4 में 3 है तो 1 बटा 2 इतना आ गया, फिर माइनस में 4 3 आ जाएगा, फिर माइनस में 1 आ गया, 5 बटे 2 हो गया, माइनस में 3/2 हो गया और ये 1 बटा 2 हो गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे a बराबर कितना आ गया, इतना बराबर में a इंटू इतना, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हो गया 2 1/2 जो है वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, सपोज आते देखिए आ गया है मेरा ना a इक्वल टू a और a इनवर्स हो गया, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a इनवर्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे माइनस में 1/2 और फिर यहाँ पे प्लस में 1/2 और यहाँ पे माइनस में 4 3, माइनस में 1 5/2 और यहाँ पे माइनस में 3/2 और यहाँ पे 1/2 इतना आ चुका है, और चाहे तो आप 1/2 बाहर भी कॉमन ले सकते हैं, तो डायरेक्टली आप 1/2 बाहर ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 1/2 के जगह पे 1 आ गया माइनस 1 और ये प्लस में 1 और यहाँ पे कितना आएगा माइनस में 8 प्लस में 6 और यहाँ पे माइनस में 2 और फिर यहाँ पे 5 माइनस में 3 और यहाँ पे 1, ये हो गया इस तरह से इसका आंसर हो गया। सो इस कॉन्सेप्ट पे ये 2 ट्रिक है, हॉट ट्रिक है, इनका इस्तेमाल आप हमेशा करें तो आपको हमेशा जल्दी बन जाएगा, और जल्दी बनने का तरीका यही है।